विश्व हिंदू परिषद की युवा शाखा बजरंग दल द्वारा अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को पक्की बाग स्थित सरस्वती विद्या मंदिर के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे, विभाग संरक्षण डॉक्टर जेपी यादव, महानगर अध्यक्ष विजय खेमका, महानगर सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे अमरीश सहित परिषद व बजरंग दल के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। अखंड भारत संकल्प दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके पश्चात बजरंग दल के सदस्य द्वारा एकल वंदना गीत की प्रस्तुति की गई। इस मौके पर अतिथियों का स्वागत उन्हें गदा और तलवार भेंट कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिषद के मिलिंद परांडे ने कहा कि विहिप का मानना है कि 1947 में भारत के दो टुकड़े करके मिली आज़ादी अधूरी है। भारत को पुनः अखंड बनाना विहिप का उद्देश्य है और अखंड बनने के साथ ही भारत विरोधी तमाम गतिविधियों को खत्म करने में भी परिषद को अपार सफलता मिलेगी। भारत की अखंडता को पुनः बनाने के लिए विहिप प्रतिवर्ष समाज में जाकर सबके साथ संकल्प लेते हुए कहती है कि हमारा जीवन भारत की अखंडता के लिए सदैव आगे रहेगा। माता की वंदे 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 विद्या मंदिर हो गया। श्री राम श्री राम श्री जय राय राम श्री राम जय राम श्री त्रिपाठी। माननीय मुख्य वक्ता जी का स्वागत के नेतृत्व में धीरज वंदे तत्पश्चात मातृशक्ति श्रीमती कंचनलता खेमका जी पद्मा जी माता की वंदे मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी गुरु महानगर की तरफ से विजय खेमका जी के नेतृत्व में महेश गर्ग जी मंच पर आने की कृपा करें। नमस्ते। तन खून रगो में के बिंदु है संस्कृति सब की एक चिरंतन खून रगो में हिंदू है। इस देश में सबने इस विषय को समझ लेने की आवश्यकता है कि इस तरह का कार्यक्रम इस तरह का संकल्प क्यों आवश्यक है। दुर्भाग्य से अपने इस पवित्र देश में समाज ने यह समझ लिया है कि भारत जो खंडित हो गया 14 अगस्त को वह एक स्थापित सत्य है, किंतु भारत जो खंडित हो गया वह इतिहास का स्थापित सत्य करके स्वीकारना ही सबसे बड़ी गलती है। आज हम विश्व का इतिहास देखेंगे तो हमको दिखाई देगा कि विश्व के इतिहास में अनेक असंभव सी लगने वाली बातें हुई है। 1984 तक साम्यवाद के विचार को जन्म देने वाला रशिया यह विश्व की एक महाशक्ति करके खड़ा था, और जब पूर्ण विश्व में यह कहा जाता था कि ऑल रोड्स गो टू मॉस्को, और उसके बाद में दिखाई देता है कि यूएसएसआर अनेक देशों में खंडित होकर आज विश्व की महाशक्ति नहीं बचा। यह हमारे आपके जीवन में हो गया। हम देखेंगे कि संपूर्ण विश्व का जो जू समाज था वो 2000 वर्ष से यह संकल्प कर रहा था। 2000 वर्ष इतना लंबा कालखंड कि जिस कालखंड में उसकी हर पीढ़ी हर साल यह संकल्प करती थी कि अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर इन जेरूसलम, मगर यह संकल्प को सत्य करने के लिए 2000 वर्ष लग गए।
अगर हम सब लोग जानते हैं कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में इसराइल अस्तित्व में आया, किसका विश्वास नहीं था। 1857 के बाद में जो स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा प्रयास अपने देश में हुआ और उसके बाद जो दमन हुआ, लाखों लोगों की मृत्यु उसमें हो गई, तो लोगों को लगा कि शायद भारत को कभी स्वतंत्रता मिलेगी ही नहीं। अगर हम सब लोग जानते कि खंडित क्यों न हो, मगर 1947 में भारत भी स्वतंत्र हो गया। और जब हम प्रत्यक्ष विभाजन की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू कहते थे, जब विभाजन की बात उनके सामने आई तो कहते थे दिस इज फैंटास्टिक नॉनसेंस, दो शब्द उन्होंने प्रयोग किए कि अत्यंत मूर्खता की बात है यदि कोई विभाजन की बात कर रहा है। और फिर वही एक उसके हिस्सेदार बन गए जिन्होंने इस देश को खंडित कर दिया। द्वितीय महायुद्ध के बाद में जर्मनी के दो टुकड़े हो गए, साम्यवाद के कब्जे में चली गई और किसी का विश्वास नहीं था कि जर्मनी एक हो सकेगी। मगर 30-40 वर्षों के बाद में हमको दिखाई देता है कि जब वहां के समाज ने यह संकल्प कर लिया तो आज एकत्रित जर्मनी करके खड़ी हो गई है और आज संपूर्ण यूरोप का पावर हाउस यदि कोई देश है तो वो जर्मनी है। चीन के प्रयास से वियतनाम के दो टुकड़े हो गए, मगर वियतनाम के समाज ने जब संकल्प कर लिया तो हम देखते कि आज वियतनाम एक करके खड़ा है। और इसीलिए इतिहास ऐसे असंभवनीय बातों से भरा हुआ है।